अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सक्सिनाइल कोलीन को, जो कि सक्सा के नाम से हमारे पास आता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सक्सिनाइलकोलीन सक्सा ये एक डीपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेंट ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने पहले भी वीडियो में बयान किया था, फिर से मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि डीपोलराइजिंग जो मस्कुलर रिलैक्सेंट एजेंट हैं, जैसे कि सक्सिनाइलकोलीन है, ये एसिटाइलकोलीन की तरह ही है। ये एसिटाइलकोलीन के निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है और ये कोलीन स्ट्रेस जो हमारे पास एंजाइम है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो इसे कम्पीट नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये मतलब जो है मस्कुलर रिलैक्सेशन करवाता है। अब ये किस तरह से, हालांकि क्योंकि एसिटाइल कोलीन तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मसल की, तो ये सक्सिनाइल कोलीन कैसे मसल रिलैक्सेशन करवा देता है? तो इसमें होता ये है कि जब ये परसिस्टेंटली रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है और कोलीन स्ट्रेस इसे मतलब इसे इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, तो ये एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रेक्शन करवा देता है। डीपोलराइजेशन का एक फेज होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है, तो परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से जो सोडियम चैनल्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, सोडियम एंट्री नहीं होती अंदर, तो वो डीपोलराइजिंग पर पोलराइजेशन जो है वो डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रेक्शन जो है वो फिर एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रेक्शन जो है उसके बाद मसल टोटली रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें एक टर्म होती है फेसिकुलेशंस, तो बेसिकली फेसिकुलेशन जो है वो उसी कॉन्ट्रेक्शन के फेज को कहते हैं जो कि पहले एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रेक्शन हुई थी ना मोटर एंड यूनिट पे, जो कॉन्ट्रेक्शन हुई थी परसिस्टेंटली, उसी कॉन्ट्रेक्शंस को फेसिकुलेशंस कहते हैं। तो सक्सिनाइलकोलीन जो है वो फेसिकुलेशंस करवाता है क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डीपोलराइजिंग एजेंट की तरह है इसीलिए। अब इन फेसिकुलेशंस से अवॉइड करने के लिए हम एक समाल क्वांटिटी जो है समाल अमाउंट ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग मस्कुलर रिलैक्सेशन एजेंट भी यूज कर सकते हैं साथ में ना, थोड़ी सी डोज दे के हम इस चीज से को अवॉइड कर सकते हैं फेसिकुलेशंस को। अच्छा, तो ये तो हो गई इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फेसिकुलेशंस की बात। अब इसकी डोज की बात करें तो इसकी नॉर्मल जो इंट्यूबेशन डोज है वो 1 to 1.5 mg/kg है। अब क्योंकि ये एक मतलब आइडियल इंट्यूबेशन एजेंट के तौर पे यूज होने वाली बहुत ही कॉमन ड्रग है, क्योंकि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत कम है, बहुत शॉर्ट सा है और ड्यूरेशन भी इसका जो शॉर्ट है ये शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन एजेंट में आती है। तो ये तो हो गई इसकी डोजेस। अच्छा, अब इसके हम इफेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है। तो अब बच्चों में खास तौर पे ये ब्रेडिकार्डिया करवाती है सक्सिनाइलकोलीन, तो उस ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए हम साथ में एट्रोपिन दे देते हैं। कभी कभी कुछ कभी एक एक मतलब एडल्ट पेशेंट्स में भी ये ब्रेडिकार्डिया करवा देती है, तो हम उसे फिर 0.4 to 0.6 mg जो है हम एट्रोपिन से हम उसे ट्रीट करते हैं उस ब्रेडिकार्डिया को। उसके बाद ये हाइपरकैलीमिया करवाती है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें पहले से ही पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो उनमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते, तो वरना फिर वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ भी जा सकता है और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जो कि हाइपरकैलीमिया की वजह से होती हैं उनके चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद ये मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाती है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और उसके बाद ये इंट्रा ऑकुलर प्रेशर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये उसको भी बढ़ाती है,
मतलब ये क्रेनियल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है जिसकी वजह से आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, और आकुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है जिसकी वजह से आईओपी भी इंक्रीज हो जाता है। और इसकी एक और कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये है कि पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट्स को पेशेंट मसल पेन्स की शिकायत करते हैं, वो इसी फैसिकुलेशन की वजह से होता है जो कि परसिस्टेंट एक कॉन्ट्रेक्शन का फेज होता है, उसकी वजह से मसल पेन जो पोस्ट ऑपरेटिव मसल पेन होते हैं। तो अगर तो इंट्रा ऑपरेटिवली एनसेड्स यूज़ किए जाएं या फिर बेंजोडाइजेपिन का कोई एजेंट यूज़ किया जाए तो हम इस तो मतलब इस मसल पेन का भी जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो सक्सिनाइलकोलीन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।